पार्टीशन वॉल हैज टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दे हैव द सेम थिकनेस, बट पहले तो बना लो कि यहाँ पर जैसे पार्टीशन वॉल है एक इस तरह से बना करके दोनों को कॉन्टेक्ट में डाल दिया, एक ए है और दूसरा जो है वो बी है, और दो लेयर से मटेरियल्स ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दे हैव द सेम थिकनेस, मतलब कि इसका थिकनेस अगर एल है तो इसका भी थिकनेस एल है, और इसमें बोल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब अगर बी का के है तो ए का हो जाएगा 2K। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर बी, मतलब यहाँ टेम्परेचर टी मान लो, यहाँ टेम्परेचर बी मान लो, तो आपको टेम्परेचर टी माइनस टी बी जो है वो 50 केल्विन दिया हुआ है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए, मतलब यहाँ टेम्परेचर ए मान लो, तुम्हें निकालना है टेम्परेचर ए माइनस टी इक्वल टू कितना होगा, ये डिफरेंस जो है ना ये यहाँ पर निकाल के बताना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि हीट करंट का फार्मूला इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, ऐसे लेते थे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे जो हीट करंट इधर से एंटर करेगा वही इधर से निकलेगा, तो अगर हीट करंट हम लोग ए के लिए लेते हैं तो ये हीट करंट इक्वल टू बी होना चाहिए, तो यहाँ पर हीट करंट थ्रू ए हो जाएगा माइनस थर्मल कंडक्टिविटी इसकी 2K, एरिया है मान लो कि ए एरिया है, टेम्परेचर डिफरेंस है टी ए माइनस टी अपॉन लेंथ है एल, एंड दिस इज इक्वल टू बी का माइनस थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया सेम है ए, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 50 अपॉन लेंथ इसका सेम एल। अब यहाँ से बहुत सारे टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, के कैंसिल, ए कैंसिल, एल कैंसिल, के कैंसिल, ए कैंसिल, एल कैंसिल, तो माइनस भी कैंसिल, तो टी ए माइनस टी तो आ गया ना यहाँ पे 50, और इधर से 2 गया तो 25 हो गया, 25 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है।